नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के एक चैप्टर के में, जिसका नाम है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, या इसे दूसरा नाम हम कहते हैं ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट 1954। इस एक्ट पर स्टडी करने से पहले चलो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत से एडवर्टाइजमेंट है जो एग्जीक्यूटेड है और जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी इंडिया में अवेलेबल नहीं है जो स्टैट्यूटरी बॉडी इन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंट्रोल कर सके। फिर जब एडवर्टाइजमेंट किसी मेडिकल प्रोफेशन की हो जाती है तो बहुत मैटर सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि यदि इसके एडवर्टाइजमेंट की जाएंगी तो पर्सनल सेल्फ मेडिकेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, जो इंडिविजुअल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, एक रूल्स बनाए, उसका नाम दिया गया ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट या ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट 1954। पहले इसका नाम था सिर्फ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। तीन साल बाद में ये देखा गया कि इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत लोग ऐसी जैसे क्लेम करते हैं कि उनके पास मैजिकल पावर है, उनके पास मिरेकुलस पावर है, उनके पास कोई डिवाइन पावर है और उन पावर्स के द्वारा किसी भी डिजीज को ठीक कर सकते हैं, चाहे डिजीज किसी भी नेचर का हो, और ये मिसगाइडिंग क्लेम थी। इसलिए एक मैजिक रिमेडीज को भी इंक्लूड किया गया और इसका नाम बदल गया, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट से नाम बदलकर नाम लिखा गया ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट 1954। इस एक्ट आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ चार चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। पहला तो हम ये जानेंगे कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, और दूसरा ये जानेंगे कि इनमें जो टर्म्स है उन टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो मेनली इसके अंदर थ्री टर्म्स है जो हमको डिफाइन करना है, वो टर्म है हमारा ड्रग, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट और तीसरा है मैजिक रिमेडीज। ड्रग एडवर्टाइजमेंट एंड मैजिक रिमेडीज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स की, एक जो हमारी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट है या जो हमारी ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट है, इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। इसका जो ऑब्जेक्टिव उसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि टू कंट्रोल ओवर एडवर्टाइजमेंट इन ऑफ ड्रग्स इन सर्टेन केसेस, टू कंट्रोल ओवर एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इन सर्टेन केसेस। और दूसरा क्या कह रहा है कि टू प्रोहिबिट, कंप्लीटली बैन, टू प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड रिमेडीज दैट क्लेम इट हैज अ मिरेकुलस पावर, इट हैज अ डिवाइन पावर, इट हैज अ मैजिकल पावर टू क्योर द डिजीज। कि कोई भी ड्रग हो या कोई भी रेमेडीज हो, जो ड्रग या जो रेमेडीज ये क्लेम करती हैं कि उनके पास मिरेकुलस पावर है, वो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। दो गेम वाली है, फर्स्ट गेम इज टू कंट्रोल ओवर एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इन सर्टेन केसेस, एंड नंबर टू टू प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड रेमेडीज क्लेमिंग हैव ए मिरेकुलस पावर और हैव ए डिवाइन पावर और हैव ए मैजिकल पावर। ये थोड़ी हमारी दो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। अब लोग जो तीन टर्म है, एक टर्म है ड्रग, दूसरा टर्म है एडवर्टाइजमेंट और तीसरा टर्म है मैजिक रिमेडी, इनको डिफाइन करना है। सबसे पहले जो डेफिनेशन स्टडी करेंगे वो स्टडी हमारा डेफिनेशन है ड्रग। ड्रग को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं जब हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का स्टडी कर रहे थे, तो उस वीडियो में हमने स्टडी किया कि हमें ड्रग को कैसे डिफाइन करना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब इस फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही ड्रग को दो जगह पर डिफाइन किया गया है और दोनों में थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग डेफिनेशन है। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में डेफिनेशन है वहां कुछ और तरीके से उसको डिफाइन किया जा रहा है, और जब हम मैजिक रिमेडीज एक्ट में बात करेंगे तो वहां पर उसकी डेफिनेशन किसी और तरीके से हो गया। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स है अंडर द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट ड्रग को कैसे डिफाइन करता है, यदि हम डेफिनेशन को याद करने चाहें तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो याद करने की आसानी के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसके अंदर तीन वर्ड को करेंगे कि जो ड्रग जो ये डेफिनेशन जो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट जो डिफाइन कर रहा है ड्रग को, वो कहे वो वहां पर तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला है मेडिसिन, दूसरा है सब्सटांस और तीसरा है आर्टिक्यू। मेडिसिन, सब्सटांस और आर्टिक्यू, सबसे पहला पॉइंट। ड्रग इंक्लूड्स मेडिसिन फॉर द एक्सटर्नल और इंटरनल यूज, कि कोई भी मेडिसिन है जो हम एक्सटर्नल या इंटरनल यूज के लिए यूज करते हैं, उस मेडिसिन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडर कैटेगरी ऑफ ड्रग। दूसरा वर्ड है सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्योर, टू प्रिवेंट और टू डायग्नोज, एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्योर, टू प्रिवेंट और टू डायग्नोज एनी डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बींग।
और एनिमल्स कि ह्यूमन बीइंग का या एनिमल के बॉडी के अंदर कोई डिजीज है, उस डिजीज को रोकना है, उस डिजीज को ठीक करना है या उस डिजीज का पता लगाना है। ये जिस सब्सटेंस के अंदर हम करेंगे उस सब्सटेंस को किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग। मींस ऑफ ड्रग का हमने दो लाइन स्टडी किया। पहला हुआ ड्रग इंक्लूड्स ऑल मेडिसिंस फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। दूसरा पॉइंट क्या हमने स्टडी किया कि ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली टू डायग्नोज, टू प्रिवेंट और टू क्योर डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। ये दो पॉइंट क्लियर हुई हमारी। पहला पॉइंट क्या था, क्या था हमारा, दैट वाज द मेडिसिन। दूसरा पॉइंट क्या था, दैट वाज द सब्सटेंस। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है कि एनी आर्टिकल अदर देन फूड, कि फूड को छोड़कर कोई भी आर्टिकल जो बॉडी में दे रहे, बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को या हमारे फंक्शंस को अल्टर कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर या जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल फंक्शन है उसको चेंज कर रहे हैं, तब हम उस आर्टिकल को भी किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडर कैटेगरी ऑफ ए ड्रग। कि एनी आर्टिकल अदर देन फूड अप्लाइड इन द बॉडी दैट अफेक्ट और दैट इंफ्लुएंस स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक फंक्शन, वर्ड हमारा है ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनिमल इज कॉल्ड ड्रग। तीन कैटेगरी होगी हमारी। फर्स्ट क्रम क्या कहा, मेडिसिन। दूसरे क्रम क्या कहा, सब्सटेंस। और तीसरे क्रम क्या कहा, आर्टिकल। अब एक चौथा पॉइंट और इसमें ऐड किया जा रहा है कि एनी कंपोनेंट इन यूज्ड इन दिस मेडिसिन, इन दिस सब्सटेंस और इन दिस आर्टिकल, दैट कंपोनेंट विल आल्सो नोन एज द ड्रग, इट विल आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ए ड्रग। जैसे सपोज करो कि हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां प्योरीफाइड वाटर डाल रहे हैं, तो प्योरीफाइड वाटर के कंपोनेंट ऑफ मेडिसिन हम क्या कहेंगे कि दिस प्योरीफाइड वाटर विल बी आल्सो नोन एज द ड्रग। क्यों बात यह है, वेरी सिंपल डेफिनेशन कि ड्रग इंक्लूड्स All medicines meant for the internal or external use of human being or animals. Number two, or any substance intended to be used to diagnose, to cure or to prevent disease or disorder of human being or animals. And last point, any article other than food that affect or influence body structure or body organic function come under the category of drug. ये body human body हो सकता है और ये body animal body हो सकता है। And last point है, any component in used in these articles या in these materials will come under the category of drug. ये तो है my definition of the drug. अब हम लोग दूसरी definition पे आते हैं। दूसरा definition क्या है, that is the advertisement. किसी भी advertisement define करना हो तो हम कैसे define करेंगे, क्या है वो, सिंपल है, चार वर्ड्स यूज की गई है इस एक्ट के अंदर। सबसे पहला नाम दिया गया है, दैट इज द नोटिस, सर्कुलर, लेवल, रैपर और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। नोटिस, सर्कुलर, लेवल, रैपर और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, कि कोई भी नोटिस है, कोई भी सर्कुलर है, कोई भी लेवल है, कोई भी रैपर है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, और एनी अनाउंसमेंट, और एनी अनाउंसमेंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एनी नोटिस, सर्कुलर, लेवल, रैपर, डॉक्यूमेंट्स और एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली, मेड ओरली और बाय प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। कि बाय प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक, तो ये सारी चीज किस कैटेगरी में आएंगी, अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट डिफाइन करना और क्या डिफाइन करेंगे, एनी नोटिस, सर्कुलर्स, लेवल, रैपर, एनी अदर डॉक्यूमेंट और अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय ट्रांसमिटिंग साउंड, बाय ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक, बाय ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि मतलब बहुत सिंपल है, क्या क्या कहा जा रहा है, नोटिस कहा जा रहा है, रैपर कहा जा रहा है, लेवल कहा जा रहा है, सर्कुलर कहा जा रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहा जा रहा है या कोई भी अनाउंसमेंट। अब जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग ओरली कर रहे हैं या बाय ट्रांसमिटिंग, क्या ट्रांसमिट करके, साउंड के द्वारा या लाइट के द्वारा या स्मोक के द्वारा, तो ये सारी चीजें हैं, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, आज के वीडियो का, दैट इज द मैजिक रिमेडीज। क्या हम मैजिक रिमेडीज किसे कहेंगे, अब यहां देखिए हमें तीन वर्ड है, एक का नाम है कॉक्चर्स, दूसरा का नाम है मंत्रास और तीसरा का नाम है तलिस्मा। तलिस्मा,
टॉर्चर्स एंड मंत्रास, ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है। अब उसको हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कवच, कवच मीन से कवच। सबसे पहला टलिस्म, टलिस्म के बाद दूसरा पॉइंट आ गया कवच, और कवच के बाद तीसरा पॉइंट आ गया मंत्र। अब हम जानेंगे तीनों चीजें है क्या। सबसे पहला आया तंत्र, सबसे पहले आया हमारा टलिस्म। तलिस्म का मतलब क्या होता है, तलिस्म का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हम अपने पास रख रहे हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट किसी भी डेविल पावर से प्रोटेक्ट करेगी, किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी, तब हम उस ऑब्जेक्ट को या उस वस्तु को या उस सब्सटेंस को या उस सामान को हम क्या कहेंगे, इट इज ए तलिस्म। तलिस्म क्या हो गया कि कोई भी सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट हम अपने पास रख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द एनी ailment, any disease or any illness, तो हम उसे क्या नाम देंगे, it is the talisman। दूसरा वर्ड आया कवच, कवच मीन्स प्रोटेक्शन, कवच का मतलब क्या हो गया प्रोटेक्शन। तो कवच क्या होता है कि एक कुछ वर्ड्स को मिला करके एक स्लोगन से आप बना लिया गया और उस उसको हम क्या नाम देंगे कवच। मीन्स यदि हम उन वर्ड्स को रिसाइट करें, उन वर्ड्स को बार बार बोले तो वो वर्ड्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी फ्रॉम द एनी इलनेस और फ्रॉम द एनी बैड स्पिरिट्स, कि हमारे बॉडी को किसी भी तरह के नुकसान होने से वो बचाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे कवच। समझ गए, पहला हो गया तलिस्म, दूसरा हो गया कवच, और तीसरा हो गया हमारा मंत्रास। मंत्रास मीन्स मंत्र, मंत्र मतलब यानी क्या है, कुछ वर्ड है और उस वर्ड पे जब रिसाइट करेंगे, उस वर्ड को हम बार बार पढ़ेंगे तो हम अपने भगवान को प्लीज कर रहे हैं, हम अपने गॉड को खुश कर रहे हैं, और जब गॉड को खुश करेंगे तो गॉड हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द एनी इलनेस। ये तो वर्ड है, दैट इज दिल कमांड कुछ भी हो सकता है, एनी तलिस्मा कवच मंत्रास और एनी चार्म दैट हैज पावर, दैट हैज ए मिरेकुलस पावर टू डायग्नोज, to prevent or to cure the disease or disorder of the human being or animal that will come under the category of a magic remedies, that will come under the category of a magic remedies। फिर बात यह जो क्या कहा गया वो सिंपल, कि कोई भी तंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी कवच हो, कोई भी तरिश्मा हो, कोई भी चार्म हो, और ये क्या कर रही है हमारे बॉडी को, बॉडी के डिजीज को डायग्नोज कर रही है, हमारे बॉडी के डिजीज को प्रिवेंट कर रही हैं, हमारे बॉडी के डिजीज को क्योर कर रही हैं। और कैसे कर रही हैं, तो बाय द मैजिकल पावर, किनके पास कुछ डिवाइन पावर है, कुछ मैजिकल पावर है, उस मैजिकल पावर के द्वारा हमारे बॉडी के डिजीज को ठीक कर दे रही हैं, हमारे बॉडी के डिजीज का पता लगा ले रही हैं, या हमारे बॉडी में डिजीज नहीं होने दे रही हैं, तब हम उस मिरेकुलस पावर को क्या नाम देंगे, इट इज द मैजिकल रेमेडीज। एक और सेंटेंस लास्ट में ऐड किया गया इसके मेडिकल रिमेडीज में, कि यदि सपोज कोई भी तंत्र मंत्र है या कक्षास है या तरिश्मा है या कोई भी चार्म है, ये चार्म हमारे बॉडी के अंदर जा रही है और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन मीन्स बॉडी का जो ऑर्गेनिक फंक्शन है, ऑर्गेनिक फंक्शन मीन्स कि बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है, उन फंक्शन को अफेक्ट कर रही है, उन फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है, तब हम उसे क्या नाम देंगे, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैजिक रेमेडीज। देखिए हमने मैजिक रेमेडीज का क्या डेफिनेशन निकल रखा है, बहुत ही आसान है कि मैजिक रेमेडीज इंक्लूड्स तलिस्मा मंत्रास कवचास एंड एनी अदर चार्म दैट एलेज्ड पोजेस मिरेकुलस पावर, इनके पास मिरेकुलस पावर है, कोई डिवाइन पावर है, फॉर व्हाट, तो टू डायग्नोज क्योर प्रिवेंट एनी डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनिमल। इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि ये तलिस्मा मंत्र का उपचार से और जो चार्म है ये हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कहाँ पे, तो बॉडी के स्ट्रक्चर को या बॉडी के ऑर्गेनिक फंक्शंस को, तब हम भी उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडर द कैटेगरी ऑफ मैजिक रेमेडीज। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं कि हमारे डेफिनेशन हो गए और हम लोग कैसे किस चीज को डिफाइन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का डिटेल स्टडी करते हैं।
कंक्लूड करने से पहले एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं पूरे क्लास को कि हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो ऑब्जेक्ट नंबर एडवर्टाइजमेंट एक्ट है इस एडवर्टाइजमेंट एक्ट का दो ऑब्जेक्ट है. नंबर वन टू कंट्रोल ओवर एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स रिलेटेड टू सर्टेन केसेस एंड नंबर टू टू प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड रिमेडीज दैट क्लेम हैव ए मिरेकुलस पावर. अब हम डेफिनेशन भी आते हैं कि ड्रग को डिफाइन करना हो ड्रग कैसे डिफाइन किया तो ड्रग इंक्लूड्स ऑल मेडिसिन मेड फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल. फिर दूसरा पॉइंट कहा गया कि ऑल सब्सटेंसेस टू बी यूज्ड टू डायग्नोस टू क्योर टू प्रिवेंट डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल. और थर्ड पॉइंट क्या कहा गया कि ऑल आर्टिकल्स अदर देन फूड दैट इन्फ्लुएंस और दैट अफेक्ट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और ऑफ द एनिमल बॉडी. और लास्ट में कहा गया कि एनी आर्टिकल या एनी सब्सटेंस एनी कंपोनेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ medicines or these substances or these articles that component will also come under the category of a drug. Next definition हमारा advertisement का है. Advertisement definition क्या कहा गया? बहुत simple. ये कहा जा रहा है कि it includes notice, circular, label, wrappers or any documents or announcement. Announcement made only or by producing light, sound or smoke that will come under the category of advertisement. और last होगा हमारा that is the magic remedies. The magic remedies include talisma, kavachas, mantras that possess miraculous power to diagnose, to treat or to cure the disease or disorder of the human being, of the human body or human being or that affect or influence a structure or function of the human body or animal is come under the category of a magic remedies. ये हमारी आपकी chapter conclude हुई. Thank you very much for watching. और next video में आगे इसी जो different topics हैं उसका detail study करेंगे. Thank you very much for watching this video. Thanks again.